बाल तो ठीक है ना, बाबा जी का दिखाने भी है। और ये हमारे भाई जी हैं कुलदीप जी, जो गुजरात से आए हैं। आया है ये देखिए, ये है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कम प्रोफेशनल फोटोग्राफर। ये ट्रैक है अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर। जितना हालत ख़राब उतना ज़्यादा किलोमीटर बढ़ जाता है। हर किसी की ज़ुबान अलग अलग हो जाती है कि ये तो बहुत भारी हिसाब से चल रहा था क्या ट्रैक की। जैसे रुद्रनाथ को बोलते हैं कोई 26, कोई 40, कोई 20, कोई 16। जिसकी जितनी जल्दी हालत ख़राब होती हो उतना ज़्यादा बढ़ा देता है। वही होता है ना कि आप कितने टफ हो उसी के ऊपर डिपेंड है कि ट्रैक आपको कितना लगा। आपने इजीली कर दिया तो आप बोलोगे अरे बहुत कम था। ये देखिए वैली मदमहेश्वर जी की। चल मेरी लाटी मदमहेश्वर घाटी, ये अभी मैंने डायलॉग देखा था एक मैक्स के पीछे, चल मेरी लाठी मदमहेश्वर घाटी, इसलिए मैंने यहाँ पर चिपका दिया। पानी का स्रोत बनाया है स्टोर करके। साउंड ऑफ नेचर, बाल ठीक करने के बाद फिर से यात्रा शुरू हो चुकी है। बाल ठीक कर, लकड़ी ऐड हो गई है अब भाई जी के साथ, लकड़ी ऐड हो चुकी है उनकी प्रेमिका, अब यही है। हमने अभी बहुत छक करके भात दाल खाया, बहुत ही मस्त हरी भुज्जी थी।
जिसे हरी सब्जी कहेंगे यहाँ की, चौलाई की सब्जी, चौलाई पालक मरसू पता नहीं क्या क्या था, बहुत टेस्टी थी। खाना हम वीडियो में ऐड करेंगे फ़ोटो द्वारा, क्योंकि मैं खाने में मस्त था, वीडियो में तो कहाँ करना। ये जो गांव दिख रहा है ये है, यहाँ खाना खाया हमने। गांवदार, इस गांव का नाम था गांवदार। अब थोड़ा डिफिकल्ट ट्रैक हो गया है, अब हम लगातार हाइट में चलते रहेंगे। आता माँ जी सटक ली। ये कहाँ गए हम लोग साथ साथ चले के। भाई जी के पीछे से बाघ आया था अभी। खाना खाने का पूरा परिणाम दे दिया उन्होंने, प्रमाण प्रमाण, परिणाम तो अलग हुआ, प्रमाण नकार बहुत ही अच्छी वाली, इससे पता चलता है आपने कितना स्वादिष्ट खाना खाया है। यहाँ हर जगह खाना बहुत अच्छा स्वादिष्ट मिलता है। आपको अब हम आगे का व्यू दिखाएंगे जो कि बहुत धांसू है और बहुत डेंजर भी। डेंजर इसलिए कि चढ़ाई बहुत जबरदस्त है। दिल थाम के बैठिए, आपको दिखेगा अभी खतरनाक मदमहेश्वर का खतरनाक चढ़ाई वाला रास्ता। खतरनाक मदमहेश्वर तो नहीं बोलेंगे, सुंदर मदमहेश्वर का बहुत चढ़ाई वाला रास्ता अब शुरू हो चुका है। कट कर देंगे बीच से, बिल्कुल कट अगर हो सकेगा, टाइम टाइम की अच्छी। मैं और मेरा दोस्त, चलो भाई चलते रहो, थकना नहीं है। पीछे वाले भाई भी अपनी प्रेमिका के साथ आ रहे हैं, उनकी प्रेमिका है एक प्यारी सी रिंगाल की लकड़ी जो उनका साथ नहीं छोड़ रही है, और हम मैं अपने दोस्त के साथ। रो क्यों रहा है बे? और थोड़ी रो, पसीना आ रहा है, पसीना। ओ भाई जी को पसीना आ गया। आगे का व्यू देखिए, अब यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ चुका है कीप गोइंग। जल्दी आवे छू, जय भोले। जिंदगी एक सपना सुहाना, क्या कल का हो किसने जाना। अरे उठ ले ये अपना एंटरटेनमेंट करते हुए हम जाते हैं। अरे जनरेटर लेके चलते हैं, फोन चार्ज कर देंगे हम फुल।
फोन तो हम चार्ज कर देंगे अपना। अब देखिए, अभी देखिए सबके सब बोलेंगे थोड़ा देर में, अता माजी खटक ली इतना बड़ा रास्ता। ऐसा झरना अभी भी दिख रहा है। बहुत ही खतरनाक मजेदार ऑसम ट्रैक है ये, ब्यूटी से भरपूर, मजा आ गया, मजा किलर। अच्छा वहां देखना है, अरे भाई जी गायब हो गए। थोड़ा 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 टाइम लगेगा, देखो वो आ गया, वो कहाँ है, वो कहाँ है, यहाँ पर आएंगे, ये रहा। अब हम मदमहेश्वर से लगभग 5 किलोमीटर नीचे हैं, अभी तक हमने हार नहीं मानी है। यहाँ पर ये कुछ फूल गिर रहे हैं, इसको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। इस तरीके की घंटियाँ, फोकस फोकस, पूरा एरिया सफेद सफेद सा हो रखा है, यहाँ पर लगता है बर्फ पड़ने वाली। हाँ, अभी हमारे साथ के कुछ लोग जो पौड़ी से आए थे वो हमसे 4 किलोमीटर आगे हैं लगभग, बहुत तगड़े हैं। और एक भाई अभी गोपेश्वर से भी आया है, लगता है वो सिंगल ऐसा है, भगवान करे ऐसा ना हो। विश्राम स्थल पे हम थोड़ा विश्राम करेंगे, थोड़ा भाई जी को रेस्ट की जरूरत है, अपना तो चलता है बिकॉज मी पहाड़ी चा, मी पहाड़ी बट पहाड़ बटी चौ उत्तराखंडी कथा पहाड़ी का हम
फिर से मैं तो थक गया भैया। थक गए। और फाइनली हम मदम महेश्वर पहुंच चुके हैं। जय बाबा मदम महेश्वर। भाई जी को भी आज हमने चढ़ा ही दिया। थक नहीं लगी। सांस थोड़ी फूल रही थी। भैया जी ने भी गुजरातियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। और अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ये देखिए दृश्य बहुत ही सुंदर। जी तो ये आज ही रोई। हाँ ये रुके। कल कहाँ रहे थे? ये मैं खुलवा। फाइनली खुजली हो गई नहा के भी। और मैं मदम महेश्वर की यात्रा कंप्लीट करके, ये है मेरे पीछे बाबा मदम महेश्वर जी का मंदिर, द्वितीय केदार बोलते हैं जिसे। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? गेस करो। ये पहाड़ दिख रहा है ऊपर वाला चोटी, यहाँ ओह गड़गड़ाहट भी होगी शुरू। मौसम बिगड़ रहा है। और हमारे एक जोशीले गुजराती भाई जी कुलदीप जी पहुंच चुके हैं। थोड़ा अच्छी खासी चढ़ाई करके अच्छा यहीं पर हैं। थोड़ा इनको श्वास की दिक्कत हो रही है क्योंकि हम पहाड़ के लोगों से अलग ही है, इनकी फिजिकल स्टैंडर्ड होता है। हमारे लिए तो ये बहुत सिंपल ट्रैक है, इनके लिए थोड़ा ये हार्ड हो जाता है। स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसका ध्यान दिया जाए, शरीर को नियमित एक्सरसाइज दी जाए। तो ऐसे सुंदर ट्रैक में भी आपको अच्छा लगेगा। और डिफ़िकल्ट ट्रैक तो नहीं कहेंगे इसे, मॉडरेट, ये मॉडरेट ट्रैक में आ सकता है। तो यहाँ आप इजीली पहुँच सकते हो, आपको इजी लगेगा, आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते रहे हो डेली की। भाई जी बुलाने लग गए, बहुत तेज़ चल रहे हैं। देखिए अभी हम कितनी तेज़ चलते हैं उनके सामने। जय बाबा मदम महेश्वर। जय बद्री केदार। और ये हम बाबा मदम महेश्वर की यात्रा करके अब बूढ़ा मदम महेश्वर की यात्रा कर रहे हैं। और क्या दृश्य है देखिए, मदम महेश्वर महादेव के प्रांगण का एक सुंदर दृश्य दिखाता हुआ यहाँ का ये नज़ारा। संपूर्ण क्षेत्र में मानो शिव जी का वास हो। और ये बूढ़ा मदम महेश्वर के लिए एक छोटा सा ट्रैक है 2.5 किलोमीटर का, 2.5-1.5 लगभग इतना ही है। और यहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए जो यहीं के हैं। और मंदिर में अभी अभी दिन की आरती हुई है, लगभग 12 बज रहे हैं अभी, 12 बज चुके हैं। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। आज मैं सुबह बूढ़ा मदमेश्वर की यात्रा पे आया। और मतलब यहाँ से जो अभी व्यू दिख रहा है बहुत ही गजब का, इस फ्रंट कैमरे से थोड़ा चौखंबा सही से नहीं दिख रहा है, ये जो दिख रहा है चौखंबा ही है, ये अपोजिट साइड से दिख रहा है अभी। और ये नज़ारा इतना ज़बरदस्त है, इसमें वाइट बैलेंस थोड़ा बिगड़ा हुआ है इसलिए फ्रंट में
अभी अच्छा नहीं आएगा, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। सबसे पहले यहाँ अभी मैं ही पहुँचा हूँ। सब नीचे यहाँ सोए हुए हैं टूरिस्ट, कुछ लोग आ रहे हैं, तीन चार शायद से वो बंगाली हैं। और आपको रियर कैमरे से व्यू दिखाता हूँ। जय बद्री केदार।
ये देखिए चौखंबक का खतरनाक व्यू, मस्त नज़ारा। ये छोटी सी एक पीक दिख रही है जो, ये है मंदानी पीक। ये है जो ये वाली बड़ी पीक है, अभी मिडिल में है सागर। और ये चौखंबा, ज़बरदस्त नज़ारा दिख रहा है सुबह का। अभी 7 बज रहे हैं और ये बिसुड़ी ताल। ये नंदी कुंड के लिए ट्रैक है यहाँ से, ये जो आगे की सबसे हाईएस्ट पीकें दिख रही हैं, यहाँ नंदी कुंड है और पांडव सेरा का ट्रैक यहीं से, यहाँ से जाया जाता है और वहाँ तक होता है। और ये सुंदर व्यू दिख रहा है अभी, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा।